हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव कुमार। होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम देखेंगे कि विंडोज़ 10 में उन एप्लीकेशंस को कैसे डिसेबल कर सकते हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं। सो बेसिकली होगा क्या कि जब हम उन एप्लीकेशन को डिसेबल कर देंगे तो हमारे पीसी की रैम का स्पेस बढ़ जाएगा, जिससे हमारे पीसी की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। सो चलिए देखते हैं। सो उसके लिए आपको विंडो के स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, देन आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, देन यहां पे आपको प्राइवेसी पे क्लिक करना है, देन यहां पे आपको लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो यहां पे आपको इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, देन यहां पे आपको बैकग्राउंड एप्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप अपने पीसी के सभी एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। सो आप जिस भी एप्लीकेशन का यूज़ अपने पीसी में नहीं करते हैं, सो आप उसको डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि इससे आपके पीसी की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। सो लाइक मैं यहाँ पे 3D व्यूअर का यूज़ नहीं करता हूँ, देन कोर्टाना का यूज़ नहीं करता हूँ, और यहाँ पे मैं काफ़ी सारे एप्लीकेशंस का यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं उनको यहाँ से डिसेबल कर दूँगा। मैं यहाँ पे मैप्स का भी यूज़ नहीं करता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का भी यूज़ नहीं करता हूँ। सो आपको यहाँ पे उन एप्लीकेशन को डिसेबल कर देना है जिनको आप यूज़ नहीं करते हैं। देन इसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है, देन उसके बाद आपको अपने पीसी को रिस्टार्ट करना है, देन मेक श्योर आपके पीसी की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।